तो स्वागत है आप सबका। आज हम अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के जो स्पॉइलर्स देते हैं ना, उन पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमेंट्री शुरू करने से पहले मैं आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, जिससे ये पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग स्पॉइलर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी, जहां मेरी एक लड़की दोस्त यानी गर्ल एज अ फ्रेंड, वो अवेंजर्स देखना चाहती थी और उसने ज़िंदगी में अवेंजर्स का ए भी नहीं देखा, लेकिन ये मूवी इतना फेमस हो चुका है कि उसको भी देखना था। तो उसने मुझे कॉल किया कि क्या तू मेरे साथ आ सकता है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि इसको अवेंजर्स का ए भी नहीं मालूम है, तो इसको थोड़ा कुछ पूछा जाए। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि तुझे मालूम है ये कैप्टन अमेरिका क्या है। तो उसने बोला, होगा किसी अमेरिकन टीम का कैप्टन। मैंने बोला, बढ़िया। मैंने सोचा कुछ और पूछते, शायद कैप्टन अमेरिका में कंफ्यूज हो गई। तो मैंने उसको पूछा, लोकी कौन है। तो उसने जवाब में ये बोला, लोकी कौन नहीं, लोकी क्या है पूछ, लोकी एक सब्जी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बस मैं वही के वही चुप हो गया। मैंने बोला, बहन मैं फ्री नहीं हूँ, तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं आने वाला। मैं जहर खा के मर जाता, लेकिन उसके साथ मैं अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर नहीं देखता। तो अब हम अपने अगले कहानी की तरफ बढ़ेंगे, और इस बार ये कहानी एक लड़के पे है। हाँ, लड़के भी गलती करते हैं, और इस लड़के की ये गलती थी, इसको ये नहीं मालूम कि मार्वल और डीसी दो अलग अलग कॉमिक हुआ करते थे जिन पे ये मूवीज बनती है। तो एक्साइटमेंट में आके मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला, भाई मैं जा रहा हूँ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने। मैंने बोला, वाह भाई बढ़िया। फिर बात करते करते मैंने उसको पूछा, इस बार इन्फिनिटी वॉर में तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। उसने बोला, गैल गदोत, मुझे बहुत सेक्सी लगती है। जैसे ही उसने गैल गदोत का नाम लिया, मैं शौक में आके चुप भी नहीं हुआ। मैंने शौक में आके फ़ोन ही काट दिया, और मैंने कसम खा लिया, जाऊँगा तो अकेले जाऊँगा, नहीं तो जिसके पास नॉलेज है उसके साथ जाऊँगा। ऐसे ही लौकी खाने वाले अनपढ़ लोग मूवी के स्पॉयलर्स देते हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता होता है कि मूवी में क्या चल रहा है। इसलिए इनको लगता है कि अगर मैंने मूवी के बारे में सबको बताया तो मैं कूल लगूंगा या लगूंगी। वाह, अवेंजर्स मूवी के साथ एक नया ट्रेंड ही चालू हो गया है कि कोई मूवी अकेले नहीं देखने जा रहा है, पूरी की पूरी फैमिली को ही लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिखाना है कि वो नहीं, उनकी पूरी फैमिली भी कूल है। लेकिन ये कूल दिखाने वाले को कौन समझाए कि जब ये लोग एक कार में ठूस ठूस के जाते हैं ना मूवी देखने, ऐसा लगता है कि शिरडी के साईं बाबा का दर्शन लेने जा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या होगा इस देश का। आपको क्या लगता है, ये मूवी देखने का मेन रीजन क्या है? कि जाके एंजॉय करना है, मूवी के मजे लेने हैं? बिल्कुल नहीं। मेन रीजन ये है कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पोस्टर के सामने जाके सेल्फी लेना है और लोगों को दिखाना है। टुडे आई वॉच्ड Avengers Infinity Wars with 69 others. I enjoyed a lot. और ये स्पॉयलर्स वाले, स्पॉयलर्स तो ऐसे बांट रहे जैसे अंबानी ने जियो बांटा था फ्री में। अरे दिमाग लगाओ यार, तुम लोगों ने पैसे खर्च किए, क्यों दूसरों को फ्री में बताना है? चूतिए हो क्या? क्यों दूसरे का मजा खराब कर रहे हो यार? अच्छी बात है यार, तुमने पहले मूवी को देख लिया, लेडीज फर्स्ट हम मानते हैं, लेकिन दूसरों का मजा मत खराब करो यार जो बाद में देखेंगे। प्लीज प्लीज रुक जाओ तुम, प्लीज। तो बस वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अपना लेके फेसबुक में आ चुके हैं, आप प्लीज उधर लाइक और फॉलो कीजिए उस पेज को। ओह कमेंटेटर करके आप सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।